हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज बड़े दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर अब से मेरे चैनल पर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू करते रहती हूँ, उनको यूज़ करती हूँ और फिर रिव्यू करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ वो है ये फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा जेली। हो सकता है आप लोगों ने इस फॉरएवर लिविंग के बारे में सुना हो। और ये जो कंपनी है ये बिज़नेस प्रोवाइड करती है, नेटवर्क मार्केटिंग का काम करती है, पर मैं ऐसा कुछ काम नहीं कर रही हूँ। बस इनके फॉरएवर लिविंग के एलोवेरा जूस और जेल के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, तो इसलिए मैं आजकल इसको यूज़ कर रही हूँ कि आखिर ये कैसा है। तो ये है एलोवेरा जेली, जो कि सूदिंग क्लियर जेल है, स्किन को सूद करता है और क्लियर बनाता है। ये सारी चीज़ें ये क्लेम करता है। और ये जो एलोवेरा जेल है, अच्छी बात इसकी है इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इसमें कलर वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया है। और मैं इसको विंटर में यूज़ कर रही थी तब ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं कर रहा था, मुझे इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत होती थी। पर अभी गर्मियों में इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल जेली है, बहुत अच्छा टेक्सचर है। हाँ, थोड़ा सा चिपचिप आपको करता है, थोड़ा सा स्टिकी लगता है, पर वो कुछ देर तक लगता है, इसके बाद नहीं लगता है। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा प्लांट यूज़ किया गया है, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, ऐसा कोई मिरेकल नहीं कहूँगी कि इसने कोई बहुत ज़्यादा मिरेकल किया, पर मुझे काफ़ी सूट किया और एक्ने को थोड़ा सा कम करता है, दाग धब्बों को थोड़ा कम करेगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हाँ करता है। जैसे कि कहा जाता है ना कि एलोवेरा जेल आपके स्किन से एक्ने और दाग धब्बों को दूर करता है, धीरे धीरे ये भी दूर करने में हेल्प करेगा। तो अभी कुछ दिनों से तो मैं अपनी स्किन की बिल्कुल केयर नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ इसको ही यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे अभी स्किन पे थोड़े थोड़े दाने हैं, पर ये रिड्यूस करता है, कर रहा है। तो बिल्कुल ऑयली स्किन पे, एक्ने प्रोन स्किन पे काफ़ी अच्छे से ये काम करता है। वैसे सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको 48 मंथ्स तक आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके टेक्सचर की बात करूँ तो ये आप देख सकते हो, बिल्कुल ये ऐसी जेली है, काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत अच्छे से स्किन पे आप इसको मसाज करके यूज़ कर सकते हो। कोई भी फ्रेग्रेंस वगैरह यूज़ नहीं की गई है, इसलिए सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, उस पर भी अच्छे से काम करता है। ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है, एक ही साइज है इसका अवेलेबल, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि और साइजेस में आता है, ये यही साइज़ में आता है। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये काफ़ी कॉस्टली है, इसका प्राइस 931 रुपीस है। और इसके कॉस्टली होने का रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है कि इसको मैं जनवरी से यूज़ कर रही हूँ, अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये मतलब काफ़ी भरा हुआ लग रहा है मुझे, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और काफ़ी अच्छे से काम करता है, शायद इसलिए ये इतना ज़्यादा कॉस्टली है। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे एलोवेरा जेल्स जो हैं उनको यूज़ करती हूँ, पतंजलि, वाओ, ममर्थ और खादी, बहुत सारे जेल्स मैंने यूज़ किए, पर ये सच में उन सब से डिफरेंट है। मतलब अगर आप कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं ले रहे हो अपनी स्किन को रिपेयर करने के लिए, आप सिर्फ इसको यूज़ करते हो, तो भी आपकी स्किन काफ़ी अच्छे से ये ट्रीट करेगा आपकी स्किन को। तो ये एक अकेला जेल बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करेगा, जैसे ये पिंपल हैं, रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, दाग धब्बे हैं, एकदम से ठीक नहीं करेगा, पर धीरे 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 आपकी स्किन को रिपेयर ज़रूर करता है और काफ़ी अच्छा है। विंटर में थोड़ा सा लगेगा आपको कि इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा, पर अभी गर्मियां हैं तो मैं सिर्फ इसको ही यूज़ करती हूँ, इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। इसको अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप दिन में दो बार यूज़ कीजिए, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कीजिए और उसके ऊपर एज अ मॉइस्चराइज़र आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हो तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो आपको लिस्ट में दे दूँगी, ऐसा ये कहीं क्लेम नहीं करता है कि ये पैराबेन वगैरह फ्री है, इसमें पैराबेन्स हैं और इसके साथ ही जो सारी चीज़ें हैं वो मैं दे दूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें कुछ केमिकल्स नहीं यूज़ किए गए हैं, इसमें केमिकल्स यूज़ किए गए हैं,
पर कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं। तो बात करते हैं इस जेल को आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। देखिए बिल्कुल आप एक बार इसको यूज़ करके देखो, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, तो आप इसके प्राइस पर बिल्कुल मत जाओ। काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी हद तक अच्छा है। अगर आप बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल आप सिर्फ इसको यूज़ कर लो और ये बहुत अच्छे से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में बिल्कुल हेल्प करेगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे से काम करता है और अभी कुछ दिनों से मैं कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं ले रही हूँ, तो मैं सिर्फ इसको ही यूज़ कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी ये बिल्कुल मेरी स्किन एकदम ठीक करती, पर हाँ ठीक ठाक काम करता है। मतलब मैंने जितने भी एलोवेरा जेल्स लिए उनमें से ये जो है ये सबसे अच्छे से काम करता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अगर आप इसको परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी कि कहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट अमेज़न या मार्केट में आई थिंक नहीं मिलता है। तो आप कमेंट कर सकते हो या कोई आपकी फ्रेंड इसका काम कर रहे हो तो आप बिल्कुल वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।